हे गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आफ्टर ट्वेल्थ बैंकिंग सेक्टर में हम कैरियर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात समझने वाली यह है कि बैंकिंग हमारी दो प्रकार की होती है, पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक, दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर में सिलेक्शन के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यूज वगैरह देने पड़ते हैं, वहीं पर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आपको सबसे पहले ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। किसी भी स्ट्रीम से कितनी भी परसेंटेज से सिर्फ आप पास होने चाहिए, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल एंड सिलेक्शन का एंट्रेंस देना पड़ता है, जो कि PO लेवल के लिए होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क लेवल के लिए होता है। दोनों के लिए ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं। IBPS का एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आप PO और क्लर्क बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में। थैंक यू सो मच।